हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे येलो फ्रॉग के बारे में, यानी कि पीले मेंढक के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए व्लॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग येलो फ्रॉग के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक तालाब में दुर्लभ प्रजाति के सैकड़ों मेंढक निकल आए हैं। ये पीले रंग के मेंढक हैं जिन्हें देखकर किसान अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के आम गांव बड़ा में बरसात होते ही बड़ी संख्या में दुर्लभ प्रजाति के पीले रंग के मेंढक देखे गए। इतनी भारी तादाद में गहरे पीले रंग के मेंढक देखकर आम लोगों में इनके जहरीले होने की आशंका हुई और लोग इनसे डरकर दूर भागने लगे। इन्हें मारने का प्रयास भी किया जाने लगा। लोग इन दुर्लभ मेंढकों को देखकर आश्चर्य में थे और इनके जहरीले होने की आशंका के चलते डरे हुए भी थे, जिसके चलते लोगों द्वारा इन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। जानकारी के अभाव में लोग इस दुर्लभ प्रजाति के मेंढक को जहरीला समझते हैं, जबकि पर्यावरणविद की माने तो मेंढकों की यह दुर्लभ प्रजाति भारत में पाया जाने वाला इंडियन बुल फ्रॉग है, जो प्रजनन काल में अपना रंग बदलकर गहरा पीला कर लेता है। इस वजह से लोग इसे जहरीला समझते हैं, जबकि यह मेंढक कतई जहरीले नहीं होते। दुर्लभ प्रजाति का यह इंडियन बुल फ्रॉग किसानों के लिए भी लाभदायक है और इको फ्रेंडली भी है। हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस प्रजाति को सहेजने की जरूरत है। जानकारी के अभाव और अज्ञानता के चलते लोग प्रकृति के ऐसे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं जो प्रकृति के लिए और हमारे लिए लाभदायक हैं। हमें जरूरत है कि हम बुल फ्रॉग जैसे दुर्लभ जीवों से डरे नहीं, बल्कि इनका प्रकृति के लिए लाभ और जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन इंडियन बुल फ्रॉग यानी कि येलो फ्रॉग के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।